हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। क्वेश्चन सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चल रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज, तो कौन सा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, यानी उसके पास कैरेक्टर तो वो बर्ड्स वाले हैं, यानी कि जो फ्लाई करने वाला कैरेक्टर है वो बर्ड का है, लेकिन वो मैमल की कैटेगरी का है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इसमें ऑप्शन है जैगुआर, ये है आपका जैगुआर, तो जैगुआर तो सिंपल चल सकता है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, पेलिकन एक बर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों आपके एवीज के एवीज में आते हैं। ठीक है, एवीज यानी बर्ड्स में आते हैं, तो ये दोनों बर्ड्स का कैरेक्टर ही है उड़ना, और ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे जो डी आपका ऑप्शन है बैट, बैट ये आपको बैट दिख रहा है, जिसको हम लोग जूलॉजिकल नेम अगर इसका जाने तो दैट इज टेरोपस। ठीक है, तो बैट जो है इट्स अ मैमल। ठीक है, ये मैमल है, इसके पास सारे इसके जो कैरेक्टर्स है वो मैमल के हैं, बट इट कैन फ्लाई क्योंकि इसके जो लिम्स है ना, ये इसके फोर लिम्स है, और ये फोर लिम्स जो है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये इसके फोर लिम्स में वेब्ड हैं, और इस वेब्ड की वजह से, इस अडेप्टेशन की वजह से ये जो है बैट जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है, अमंग्स द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एवीज, तो वो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन ये लिख के, वो ऑप्शन में आपको कई सारे एवीज के दे सकते हैं, या फिर अगर ऊपर पूछा है तो उसमें कई सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के दे देंगे, और उसके बाद आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा कैरेक्टर इसका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने यूपीपीसीएस मेंस में और एमपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन का लेवल है, लेकिन डिफरेंट जो है उसका कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लाई कर सकता है लेकिन एवीज के ग्रुप का नहीं, क्योंकि एवीज का तो कैरेक्टर ही है फ्लाई करना। ठीक है, तो क्रो, ईगल, पैरट ये तीनों ही उड़ सकते हैं, लेकिन ये तीनों ही एवीज के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि तीनों ही बर्ड्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका एग्जाम्पल बैट आ जाएगा। अगर बाय चांस ये फ्लाई नहीं भी कर सकते होते, ठीक है, या बाय चांस इसके जगह पे कोई और एग्जाम्पल लिखा होता और वो उड़ भी पाता, तो भी यहाँ पे आंसर बैट ही होता है, क्योंकि वहां यहाँ पे वो मैमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अदर देन एवीज कौन से हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका बैट होगा, या टेरोपस लिखा होता वो भी आंसर सही होता, उसी को जूलॉजिकल नेम उसका टेरोपस ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, कल हमने इन सब चीजों के बारे में किया था, सी काओ, सी हॉर्स, सी लॉयन, तो ये जो सी काओ है और सी लॉयन है, ये आपको सील दिख रहा है। ठीक है, ये सील जो है इसी को सी लॉयन कहते हैं। ठीक है, यही है सी लॉयन, और इस तरीके से एक सी काओ है जो काओ की तरह दिखती है बट एक्वाटिक मैमल है। ठीक है, तो यहाँ पे सी काओ ये भी मैमल है, और जो आपका सी लॉयन है ये भी मैमल है, तो ये सी हॉर्स क्या है, सी हॉर्स जो है वो आपके पाइसेस ग्रुप में आते हैं, यानी कि ये फिश है। ठीक है, एक तरीके से फिशेस में आते हैं कैटेगरी में। तो पूछा है विच ऑफ द अबव इज और आर मैमल और मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन ये तो करेक्ट है, बट ओनली नहीं होगा, वन एंड थ्री ये आंसर सही होगा, टू एंड थ्री, टू जो है वो आपका पाइसेस में, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डॉल्फिन आर क्लासिफाइड इन, यस ये देखो ये अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, 40th बीपीएससी में पूछा था डॉल्फिन आर क्लासिफाइड इन, और उत्तराखंड यूडीए में पूछा है सील इज द स्पीशीज ऑफ, तो चाहे सील लिखा हो, चाहे डॉल्फिन लिखा हो, चाहे आपका सी काउ लिखा हो, ये सब आपके मैमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्वाटिक है तो आप कह सकते हो कि ये पानी में पाए जाने वाले जानवर होंगे, लेकिन ये सब मैमल्स हैं। ठीक है, तो ये डी होगा इसका आंसर, रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियंस नहीं है, और फिशेस भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर मैमल होगा। अब देखिए एम्फीबियंस क्या होता है, जो हमने ये वर्ड लिखा है ना एम्फीबियंस, इसका मतलब ही होता है, एम्फीबियन का मतलब बीच वाला, यानी कि जैसे आपके फ्रॉग की बात करूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे जो आपको ये टोड फ्रॉग दिख रहा है, तो ये जो फ्रॉग है इसका ना, इसके लार्वा का नाम है टैडपोल लार्वा। क्या नाम है? टैडपोल लार्वा। अब जो टैडपोल लार्वा है ना, वो स्विम कर सकता है, उसके पास टेल प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका टैडपोल लार्वा है वो आपका प्लांट्स को खाता है। ठीक है, यानी कि वो कार्निवोरस नहीं होता। अब ये जो टैडपोल लार्वा है, इसके पास टेल है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको खाता है, तो बेसिकली इसके पास कैरेक्टर कौन से वाले हैं? एक्वेटिक वाले। ठीक है, और टैडपोल के पास ना गिल्स भी प्रेजेंट है, इसके पास लंग्स नहीं होता, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टैडपोल लार्वा में होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, अब देखिए ये भी टैडपोल लार्वा एक बच्चा है। ठीक है, अब बच्चे से एडल्ट बनना है इसको, तो
तो बच्चे से एडल्ट बनने के लिए कुछ तो बॉडी में चेंजमेंट चाहिए होगा ना, ठीक है? यानी बॉडी से ये टेल को रिमूव करोगे, बॉडी से ये गिल्स विल्स जो है ये सब रिमूव करोगे, उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स लेके आओगे, जैसे लंग्स ले आए आप, ठीक है? स्किन को इस केपेबल बनाया कि वो रेस्पायरेशन कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के बाद, मेटामॉर्फोसिस इज लाइक अ चेंजमेंट, प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है, या रेट्रोग्रेसिव चेंज। कुछ चीजें खत्म होती हैं, कुछ चीजें आती हैं। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कुछ नई चीज बॉडी में आ गई, रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कुछ कुछ चीजें जो ऑलरेडी थी बॉडी में वो डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक है? दैट इज मेटामॉर्फोसिस, चेंजमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो मेटामॉर्फोसिस के बाद टैडपोल कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रॉग में। अभी जो फ्रॉग है ये फ्रॉग लैंड पे, जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है? फुदकता है, और इसके आप देखिए इसके जो टंग होते हैं वो कितनी लंबी होती है, ठीक है? ताकि आराम से वो प्रे को जो है, दूर भी प्रे हो उसको आराम से पकड़ पाए। तो बेसिकली जो फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोरस हो जाते हैं, ठीक है? ये कार्निवोरस हो जाते हैं, उसके साथ साथ इसमें लंग्स भी हो जाते हैं। इनकी स्किन, ये तीन टाइप का रेस्पायरेशन करते हैं, एक तो आपका ये गिल्स के थ्रू भी करते हैं, दूसरा ये लंग्स के थ्रू भी करते हैं, और तीसरा ये स्किन के थ्रू भी करते हैं, ठीक है? तीन टाइप से रेस्पायरेशन करते हैं, ये फ्रॉग का अपना कैरेक्टर है। तो ये फ्रॉग जो है वो जमीन पे भी रह सकता है और ये पानी में भी रह सकता है। अब इसको पानी की जरूरत क्या है? देखिए फ्रॉग का जब रिप्रोडक्शन होगा तो वो भी इसका एक्सटर्नल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी एक्सटर्नल होता है। यानी कि फ्रॉग का जो मेल है, फीमेल, और जो मेल मेल जो है, फीमेल जो है अपने एग्स को पानी में ही रिलीज करती है, और मेल अपने स्पर्म्स को पानी में रिलीज करते हैं। देन इन दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर जो एग बनता है वो भी पानी में ही रहता है। वो एग जो है फिर टैडपोल लार्वा में कन्वर्ट होता है, ठीक है? ये टैडपोल लार्वा के पास भी जितने कैरेक्टर है वो पानी वाले ही कैरेक्टर है। फिर धीरे धीरे टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होती है और वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रोसेस पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? तो इनका आधा लाइफ पानी में और आधा लाइफ जमीन पे, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है? तो पूछा है एम्फीबियंस आर वेरी फास्टली मूविंग बोट्स, बोट्स तो नहीं होते, ठीक है? एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली, एनिमल्स लिविंग ऑन ऑन लैंड ओनली, या एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ, ठीक है? तो डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेपरेट अ मैन और ह्यूमन फ्रॉम एप्स। तो एप्स का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे चारों, यहाँ पे जो आपको लिखा है ऑप्शंस लिखे हैं, उनका मतलब है कि जो एप्स के कैरेक्टर हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एप्स के कैरेक्टर समझते हैं। एप्स होता क्या है? एप्स जो है, एप्स क्या है? ये जो है ये ह्यूमन के, ह्यूमन क्लोजेस्ट लिविंग क्रिएचर, एकदम जो ह्यूमन के नजदीक हो गए, ठीक है? ह्यूमन के नजदीक जो है वो आपके एप्स कहलाते हैं। अब एप्स, अब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो है वो स्मार्टेस्ट क्रिएचर, ठीक है? पूरे एनिमल किंगडम में, आपने एनिमल किंगडम कल पढ़ा था, पॉरीफेरा से लेके आपका पूरा का पूरा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने पाइसेस के थ्रू आप पहुंचे कहाँ, वर्टिब्रेटा में, मैमल्स की तरफ। तो ये पूरा जितने भी आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, उन एनिमल किंगडम में सबसे अगर कोई स्मार्टेस्ट कोई जीव है तो वो ह्यूमन है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास वो ब्रेन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? होता सब में है बट यूज करने वाली बात है, तो यूज हम ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है? हमारे पास एक सेंसिबिलिटी है, हम हमको समझ में आता है हम किससे कैसा बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर को भी हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्मार्टेस्ट क्रिएचर की ही निशानी है, ठीक है? और इकलौता ह्यूमन ही ऐसा क्रिएचर है जिसके पास एक कुछ सीखने की डिजायर है। जैसे आपको अभी अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो ह्यूमन इज द ओनली क्रिएचर हु हैज अ डिजायर टू लर्न एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, कुछ एक्सप्रेस भी कर पाता है वो, ठीक है? अब ह्यूमंस में जो है, आप नॉर्मली हम देखते हैं हमारे पास टेल्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है? तो जिनमें टेल्स नहीं प्रेजेंट होते हम मान सकते हैं कि वो एप्स के नजदीक है एक तरीके से, ठीक है? एक ये आपको एक शॉर्टकट है समझने के लिए, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन, एनवाइस अ डिजायर टू लर्न। अभी जस्ट मैंने यही बात बोली, ठीक है? बाय अ रूडिमेंट्री सेंस ऑफ स्मेल। तो हम ह्यूमन है, क्या हमको स्मेल नहीं समझ में आता? बिल्कुल आता है। तो रूडिमेंट्री का मतलब होता है जो इसमें शायद कम है या खत्म है, ठीक है? वो रूडिमेंट्री होता है, तो ये तो गलत हो गया। कॉन्ट्रेरी थंब, हमारे पास बहुत वेल डेवलप्ड थंब होता है, ठीक है?
ब्रॉडर चिन, नहीं चिन थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन, आप जैसे जैसे आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में चिन काफी बड़ा सा होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो चिन थोड़ा सा एकदम पतला हो जाएगा, फिर जैसे जैसे हम स्मार्टेस्ट क्रिएचर की तरफ जाएंगे यानी कि ह्यूमन की तरफ जाएंगे, चिन फिर नॉर्मल साइज में जो है आने लगेगा, तो एक ब्रॉडर चिन होगा। यहाँ पे देखिए इसका चिन, उसके पूरे सर के हिसाब से उसके चिन का एक प्रॉपर एक प्रोपोर्शनेट शेप है, ठीक है, तो ब्रॉडर चिन ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे अपना शेप जो है मेंटेन करता है और नॉर्मल बॉडी के प्रोपोर्शनेट में आता है, तो ब्रॉडर तो नहीं होता, ये पहले का कैरेक्टर है, ह्यूमन इवोल्यूशन में स्टार्टिंग का कैरेक्टर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ए जो है वो करेक्ट है, एडवाइस और डिजायर टू लर्न, कुछ सीखने की इच्छा होती है उनको, किसको, ह्यूमन को, और एप्स भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि इन पूरे में से कौन सा एप नहीं है, ठीक है, कौन सा एप नहीं है, तो मैंने अभी एक छोटा सा शॉर्टकट बताया कि जिनके टेल्स नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके पास आपको टेल दिख रही है, एक ही है यहाँ पे, ओरंगटून है, ऑरेंज कलर का ओरंगटून, फिर गोरिल्ला, फिर आपको गिब्बन, इसमें एक लंगूर देखिए, ये लंगूर, इसके पास देखिए इतनी बड़ी टेल है, ठीक है, तो ये लंगूर जो है वो एप की कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, एप की कैटेगरी का नहीं है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कई सारे और भी क्वेश्चंस आते हैं मंकी से ही, कि आरएच फैक्टर किससे आया ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज समझेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज, ठीक है, सबसे छोटा कौन है इसमें, तो यहाँ पे पीछे आपको डायग्राम में समझ में आएगा, गिब्बन, ठीक है, ये सबसे छोटा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इस पूरे में आप देखोगे तो सबसे छोटा आपको गिब्बन ही दिखेगा, तो स्मॉलेस्ट, ये पहली बात तो ये एप है, ठीक है, गिब्बन जो है सिर्फ, ये लंगूर जो है वो एप नहीं है, ठीक है, तो लंगूर गिब्बन से भी थोड़ा छोटा लग रहा है हमको, बट ये एप ही नहीं है, तो ऑप्शन में तो ये करेक्ट गलती हो जाएगा पहले, इन दो इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे छोटा आपको गिब्बन दिख रहा है, तो गिब्बन जो है वो स्मॉलेस्ट है, आगे स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज गिब्बन, ठीक है, चिंपैंजी भी बड़ा सा होता है, गोरिल्ला भी पीछे आप देख ही रहे हो, ओरंगटून काफी बड़ा होता है, ठीक है, तो गिब्बन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय बिलोंग्स टू विच फैमिली, अब नील गाय ना एकदम गाय की तरह दिखती है लेकिन इसकी फैमिली डिफरेंट है, ठीक है, जैसे अब शेर और बिल्ली है, ठीक है, दोनों सेम ही, दोनों है तो सेम के, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, बिल्ली जो है वो एक छोटी सी लग रही है, ठीक है, शेर जो है वो एक उसी का एक इवॉल्व कैरेक्टर लगता है लेकिन बहुत बड़ा, तो इसी तरीके से ये जो नील गाय है ना, ये डियर की कैटेगरी का है, ठीक है, किसकी कैटेगरी का है, डियर की कैटेगरी का है, दिखता काऊ जैसा है लेकिन है ये डियर की कैटेगरी का, ठीक है, ये लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप स्पीशीज है, नील गाय क्या है, ये लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप, एंटीलोप उनको कहते हैं जो सिंग विंग होते हैं, ठीक है, एंटीलोप स्पीशीज, और ये वो क्रिएचर होते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग, एंटीलोप कौन होते हैं, जिनमें एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और लगभग 90 स्पीशीज अभी ये प्रेजेंट है नील गाय की, ठीक है, ये यहां तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ऑक्टोपस के बारे में। देखो मोलस्का, आप जब इनवर्टिब्रेट में चलते हो तो फ्रॉम पॉरीफेरा टू आपका ये मोलस्का तक जब आप जा रहे हो तो वहां पे ना ऐसे नॉर्मल बोन्स नहीं होते, बोन्स नहीं होते या फिर उनके पास वर्टिब्री नहीं होती, तो इसीलिए तो हम उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। लेकिन जो आपके मोलस्कन होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोन्स होते हैं, बॉडी के अंदर बोन्स, इनकी बॉडी ना बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, पूरी की पूरी मसल्स की बनी हुई होती है। अब ऑक्टोपस हो गया या फिर आपका स्क्विड हो गया जो कि काफी जाइंट होता है, ठीक है, ये सब जो है इनमें एज सच बोन्स तो नहीं होते लेकिन इनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मोलस्कन में ही ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बहुत सॉफ्ट है, इसलिए उनके ऊपर बोन्स की जरूरत, एक शेल की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पायला या फिर यूनियो। अच्छा पायला यूनियो क्या होता है, आपने देखा होगा गाँव में सीप एक होता है, ठीक है, सीप, या फिर आपने शंख देखा होगा, तो ये जो ये दोनों चीज जो है, ये शंख जब आप देखोगे ना उसके अंदर एक जीव होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा जीव होता है, यूनियो में भी होता है जब आप खोलते हो उसको, जिसके अंदर पर्ल निकलती है, मोतियां निकलती है जिसके अंदर, उसके अंदर जो आपको दिखता है ना वो दैट इज एन एनिमल, ठीक है, तो ये दोनों देखिए कितनी सॉफ्ट है, तो इनको अलग से जरूरत पड़ती है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की। लेकिन ऑक्टोपस का मसल्स इतने जॉइंट होते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस आपके मोलस्क है, इट्स अ मोलस्क,
अब इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है, ठीक है, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, तो पहली चीज ये आपको बता दूं कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट में अगर पूछते हैं तो आपको लगभग इसका आंसर जो है मोलस्कन ग्रुप से ही आता है, ठीक है। मोलस्का में ये जो ऑक्टोपस है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और अगर एकदम लार्जेस्ट पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्विड। क्या हो जाएगा? स्क्विड। स्क्विड जो है उसके पास भी बोन नहीं होता, अरे बैकबोन नहीं होता है, वो भी मोलस्कन ग्रुप का होता है, लेकिन उसका साइज लगभग 14 मीटर के अप्रोक्स होता है, ठीक है। और ये आपका लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है स्क्विड। आगे कभी क्वेश्चन आया भी हुआ ये, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं आईएएस प्री में या फिर यूपीपीसी स्पेशल में, और अभी रिसेंट में भी कई एग्जाम्स में आते हैं। तो विद दिस थैंक यू, क्वेश्चन सीरीज आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे।